हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हुशियार वर और आप देख रहे हैं हुशियार वर। फॉर यू गाइस, अगर आप सर्च कर रहे हैं कि एम्स का फॉर्म कैसे भरें और कहां से भरें, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर जरूर कर लीजिए। बगल में बेल आइकन होगा, उसे ज़रूर प्रेस कर लीजिए। लाइक कॉमेंट जरूर कर लीजिए और वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट। गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। गाइस, अपने ब्राउज़र में जाएंगे और ये वेबसाइट aims.gorakhpur.in टाइप करके इंटर करेंगे। जैसे इंटर करेंगे, आपको एक पेज को लेना इस तरीके का। पेशेंट रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको शो करेगा, अगर आपने आपने पहले ही रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो अपनी पेशेंट आईडी पासवर्ड डाल के यहाँ से लॉग इन कर सकते हैं। अगर नहीं किया है तो नीचे, सबसे नीचे, इफ नॉट रजिस्टर्ड इट साइन अप पर क्लिक करेंगे। मैंने क्लिक कर दिया है और यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन का एक फॉर्म खुलेगा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। और यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स फिल करनी है, अपना नेम, पासवर्ड खुद का डालना है, जो भी डाल सकते हैं, जेंडर, रिलीजन, फादर्स नेम, स्पाउस, अपना एड्रेस, फ़ोन नंबर्स, ईमेल है तो ईमेल डाल दीजिए। शो आपको वन बाय वन यहाँ पर फिल करना है और फिल करके नेक्स्ट करना होता है। मैं जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करना है। नेम पे अपना कोई भी जिस नेम से करना चाहते हैं, जिसका भी करना चाहते हैं, उसका नाम डालेंगे नेम के आगे जो बॉक्स है। उसके बाद अपना खुद का पासवर्ड जो भी आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं। पासवर्ड आपका जेंडर क्या है, मतलब मेल है, फीमेल है, लड़का, लड़की, तो यहाँ मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, अदर है तो अदर, मेल फीमेल से अदर है तो अदर डाल देंगे। रिलीजन अपना डाल देंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, जो कुछ भी है। अपना फादर्स नेम डालेंगे। ये जो स्टार मार्क है ना, वो नेसेसरी है, वो आपको डालना ही है। रिलीजन के बाद आपको नीचे दिखेगा स्पाउस नेम, अगर है तो हस्बैंड वाइफ डाल सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे अपना, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, और सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट होनी चाहिए। आप अपने आधार कार्ड को अपने सामने रख के फिल कर सकते हैं, आधार कार्ड से देख करके इसको फिल कर सकते हैं, बेटर होगा आधार कार्ड से ही फिल करें। आपका इस डेट ऑफ बर्थ और आज तक के डेट का जो ईयर है, कितने साल के हो गए आप, आज तक के डेट का जिस दिन भी फॉर्म भरेंगे उस दिन आपकी एज क्या हो गई, वो आप यहाँ पे एज फिल करेंगे ईयर्स में। 50 ईयर होगा 1 जनवरी 1969 तक, 50 ईयर्स। ऑक्यूपेशन क्या है, ऑक्यूपेशन डाल देंगे। हाउस नंबर क्या, हाउस नंबर डाल देंगे। यहाँ पे एड्रेस फिल करना, नीचे आएंगे स्क्रॉल डाउन करके तो गली, मोहल्ला, वॉट एवर आपका जो भी है डाल सकते हैं। और यहाँ पे अपना कुछ भी पासवर्ड एक बार डाल दीजिए, फिर नीचे आके अपना एड्रेस फिल कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने एड्रेस पासवर्ड डाल दिया और एड्रेस पे आते हैं। एड्रेस में भी आप गली, मोहल्ला, सिटी, टाउन जो भी है फिल कर सकते हैं। फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट करना है, जैसे कि मैंने कर दिया। और यहाँ पे आपको योर पेशेंट आईडी जनरेट हो चुकी है, ये आपकी पेशेंट आईडी है जैसा कि ऊपर दिखा रहा है यहाँ पे। और नीचे आएंगे तो केयर प्रोवाइडर सेम एज कॉन्टैक्ट पर्सन, इसको यस रहने देंगे। और यहाँ पे अपने फादर, मम्मी या फिर खुद का नाम भी डाल सकते हैं नेम के आगे, एस कर यही रहने देते हैं। यहाँ पे अपने फादर, मम्मी या खुद का नाम डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। केयर प्रोवाइडर सेम एज कॉन्टेक्ट पर्सन। और नीचे है इज एड्रेस सेम एज पेशेंट एड्रेस, यदि एड्रेस सेम है केयर प्रोवाइडर और कॉन्टेक्ट पर्सन का तो एस रहने देंगे, अदरवाइज यहाँ पे एड्रेस डाल सकते हैं। यहाँ पे एस ही रहने देते हैं, ऑटोमेटिक सेलेक्टेड होगा।
अपना नीचे मोबाइल नंबर ईमेल आते मेल डाल सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फी, पेशेंट आईडी शो करेगा। सो ये पेशेंट आईडी जो है इसको प्रिंट करके आपको गोरखपुर एम्स ले जाना है, वहाँ पे 20 रुपीज़ देनी है और वहाँ पे एक कार्ड आपको बना के दे देगा। उस कार्ड से आपको इलाज फ्री में वहाँ पे मिलेगा। सो यहाँ पे इसको आप सेव कर सकते हैं, प्रिंट पे क्लिक करके इसको यहाँ से सेव कर सकते हैं। चेंज पे क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे और ये सेम जैसे कंप्यूटर में हो रहा है वैसे ही आप अपने मोबाइल से ही कर सकते हैं। एज ए PDF मैंने सेव कर लिया है। अपने मोबाइल पे, कंप्यूटर, लैपटॉप, किसी भी चीज़ पे ये फॉर्म भर सकते हैं। बहुत ही आसान है। सेव पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेव कर देंगे। सो इस तरीके से आप सेव कर सकते हैं इस चीज़ को और ले जा करके यहाँ इसको पेन ड्राइव में डाल के या फिर मोबाइल में अपने भरा है तो वहाँ पर आपको प्रिंट कर सकते हैं इसको ले जा करके। सो ये बहुत ही आसान तरीका है और ये तरीके से चल रहा है। सो गाइस, वीडियो को अभी से कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर चैनल पर नए हैं तो, और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे जरूर प्रेस कर लीजिए सो दैट आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।